नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली महिला आयोग ने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी नहीं होने पर आईपीसी की धारा 166 ए क्लॉज के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज नहीं करने को लेकर नोटिस भी जारी किया था। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और 5 दिन हो गए पर दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की है, ये गैर कानूनी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि पुलिस को लगता है कि FIR दर्ज करने से पहले कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जाँच की जाने की जरूरत है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज पहलवानों को जो है धरना प्रदर्शन करते करते आज 6ठा दिन है, वैसे 5 दिन उन्हें पूरे हो चुके हैं। राजीव, ऐसे में अभी तक क्या कुछ अपडेट है? बात अगर सुप्रीम कोर्ट की कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है? खाप पंचायतों की बात कर ली जाए, खाप पंचायतों की तरफ से क्या अपडेट है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान जो है पिछले 5 दिनों से, यानी 4-5 दिन बीत चुके हैं, आज 6ठा दिन है और लगातार पहलवान जो है यौन शोषण को लेकर, जो महिला पहलवान है उनके साथ जो यौन शोषण किया गया है उनको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कदम उठाती नजर आ रहा है। और जो ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है उसको लेकर भी जंतर मंतर से आवाज उठाई जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनकी तरफ से भी पहले भी ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी कि वो महिलाओं के साथ है और यहाँ तक कि जो महिलाओं के साथ शोषण, यौन शोषण किया गया उसके लिए कहीं ना कहीं प्राथमिकता यानी कि FIR दर्ज होनी चाहिए। मगर अब जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज नहीं की गई है उनके खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर धारा 166 के ए के तहत मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन करते हुए लगातार लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष भी पहलवानों का समर्थन कर रहा है, खप पंचायत के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आ रहे हैं और अब स्वाति मालीवाल की तरफ से भी महिला आयोग की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया है कि जो महिला पहलवान है उनके लिए भी कहीं ना कहीं FIR दर्ज करानी चाहिए। मगर FIR दर्ज नहीं की गई है इसके लेकर पहले भी दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल की तरफ से नोटिस जारी किया गया था मगर उस नोटिस का जवाब भी अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से स्वाति मालीवाल को नहीं दिया गया है। मगर आप जिस तरीके से सिफारिश की जा रही है स्वाति मालीवाल की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने यौन शोषण के मामले में कहीं ना कहीं FIR दर्ज नहीं की गई है उनके खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी किया गया था जिसके अंदर 28 अप्रैल तक जवाब मांगा गया था और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी ये कहा गया था कि वो हर पहलू पर जांच करने के बाद ही FIR दर्ज करेंगे। मगर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो सीधे सीधे FIR दर्ज की जा सकती है मगर हर पहलू पर गौर करनी चाहिए और ताकि दिल्ली पुलिस को कोई भी दिक्कत ना हो। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं यही सिफारिश जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी करती हुई नजर आ रही है कि हर पहलू को जांच करने के बाद ही FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि ब्रजभूषण जो है वो कुश्ती महासंघ के महापंच कैसे अध्यक्ष है उनको लेकर अब जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है वो आवाज अभी तक सरकार की तरफ से बिल्कुल भी कदम नहीं उठाया गया क्योंकि पहले भी 3 महीने पहले भी कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस समय भी कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से कह सकते हैं जो
नेता थे वो पहुंचे थे और उनका जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म करवाया गया था। लगभग कह सकते हैं जो प्रदर्शन किया खत्म किया गया था उस समय भी ये कहा गया था कि जो भी मांगे होंगी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सरकार के द्वारा कही की जाएगी, मगर अभी तक 3 महीने बाद भी कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से मजबूरन जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार से मांग की जा रही है, मगर कहते लगातार कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को ही इसके अंदर फैसला करता हुआ नजर आएगा कि FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, मगर दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही इसके अंदर कदम उठाता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, वही बात कर लें, जिस तरीके से बार बार पुलिस को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जांच करना जरूरी है, तो ऐसे में क्या समझे कि ब्रजभूषण शरण को बचाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो डायरेक्ट FIR नहीं करना चाहती है। दूसरा, यहाँ पर जो शिकायतें दी गई हैं उस पर सिर्फ जांच करने की बात की जा रही है, मगर अभी तक जो सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी 3 महीने पहले भी, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि कमेटी के आधार पर ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं पेश की गई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था जो कमेटी की रिपोर्ट है वो पेश की जाए, वो भी सील बंद लिफाफे के अंदर। दूसरा, जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भी FIR नहीं दर्ज की गई है उसके कारण क्या है वो भी लिखित में जवाब सील बंद तरीके से ही देना होगा, मगर यहां पर दिल्ली पुलिस चाहती है कि वो कोई भी ऐसा कदम जो है वो ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं उठे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आए। मगर यहां पर बात करें दिल्ली पुलिस जो है वो डायरेक्ट ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि अगर कोर्ट चाहती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश होगा तो FIR दर्ज की जा सकती है, और यही चीज दिल्ली पुलिस के जो वकील है तुषार मेहता उनकी तरफ से भी कही गई है कि हर पहलू से जांच होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि FIR दर्ज करने के लिए किसका नाम शामिल करना है और किसका नाम शामिल नहीं करना है। मगर यहाँ पर आप कोर्ट के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 28 अप्रैल के अंदर इसका फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज करने के लिए किसके ब्रजभूषण के खिलाफ आदेश देते हैं या फिर ब्रजभूषण के खिलाफ सिर्फ जो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कोई कदम उठाया जाएगा, ये तो 28 अप्रैल को ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, उनका समर्थन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी राजीव, आज जो है पंचायत खापे भी जंतर मंतर पहुंचने वाली है, एक तरीके से सपोर्ट जो है खिलाड़ियों को दिया जाएगा, और ऐसे में देखा गया है कि कांग्रेस भी लगातार जो है समर्थन करते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, पहलवानों का समर्थन जो है वो लगभग कह सकते हैं सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, जब बात करें खप पंचायत की, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल होती हुई नजर आ रही है, और आज भी कहीं ना कहीं जो वैसे पंचायत के लोग हैं वो भी आएंगे। दूसरा, यहाँ पर बात करें बड़े नेताओं की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया है कि महिला जो पहलवान महिलाओं के साथ जो शोषण किया गया है उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कदम उठाना चाहिए, और कहते हैं प्रियंका वाड्रा की तरफ से भी ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन किया गया था, सरकार के लिए कदम उठाने के लिए बात की गई थी। दूसरा, यहाँ पर लगातार ये भी अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि कल भी जिस तरीके से कैसे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उपराज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जो वो भी उपस्थित हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरकार से अपील की और सरकार के ऊपर निशाना भी साधा गया कि सरकार जो है वो पहलवानों के बारे में सोचे और उनकी जो मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए। मगर दूसरे एक दिन पहले भी कहीं ना कहीं जो पूर्व CM थे हरियाणा के कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि सरकार जो है वो पहलवानों के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि पहलवान जब गोल्ड मेडल या फिर कहें जो पदक लेके आते हैं वो सरकार के होते हैं, तो कहीं ना कहीं पहलवानों की जो परेशानी है वो भी सरकार की होनी चाहिए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार से आवाज उठाई जा रही है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का जो रास्ता है वो नहीं अपनाया जा रहा है जो पहले अपनाया गया था। अगर पहले की तरह से अभी सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर आ सकता है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अंदर फैसला दे देता है कि FIR दर्ज करनी है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं FIR दर्ज करने के बाद ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, मगर देखना होगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी आने वाला समय बताएगा। मगर पहलवान जब तक नहीं हटेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक वो नहीं हटेंगे जब तक FIR दर्ज ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं होती है। जी राजीव, आजकल ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर खिलाड़ी धरना स्थल पर ही प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात पहलवानों की कर लें तो पहलवानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जो है पहलवान संबोधित भी जो है धरना स्थल से करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है पहलवानों का?
देखिए यहाँ पर बात करें पहलवानों की, तो हमने पहलवानों से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने भी बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, दूसरा जो ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर भी आवाज उठाई जा रही है, और यहाँ तक कि सरकार जो है ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से पहलवानों ने कहा कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, दूसरा यहाँ पर महिला शोषण को लेकर जो लगातार आवाज उठ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पहलवानों का शोषण किया जाता है, खासतौर पर महिला शोषण महिलाओं का, तो इसके अंदर ऐसी ये प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जब युवा इस लाइन के अंदर आते हैं या फिर कहें पहलवानी के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक रास्ता होता है कि सरकार के लिए कैसे भारत का नाम रोशन करेंगे और लगातार के लिए कदम उठाएंगे, मगर जब भारत के लिए कदम उठाया जाता है और भारत के लिए कुश्ती जीत के आते हैं और अवार्ड जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के होते हैं, तो यानी कि सरकार के होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी पहलवानों के बारे में सोचना चाहिए। मगर अब लगातार कहीं ना कहीं जो पहलवानों के समर्थन है वो कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है, पहलवान जो है वो सुबह से शाम तक यानी कि रात तक ही जंतर मंतर रहते हैं, रात को वहीं पर ही सोते हैं, खाना पीना भी वहीं पर, तो यहां तक कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सुबह के समय जो जंतर मंतर पर ही की जा रही है। अगर दिल्ली पुलिस बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को एक छावनी के तौर पर बदल दिया गया, तक किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ समर्थनकारी जा रहे हैं या फिर मीडिया के लोग जा रहे हैं, मगर बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है उस रास्ते पे, ताकि पहलवानों की जो सुरक्षा है वो बनी रहे। मगर अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है। दूसरा यहां पर 28 अप्रैल का दिन भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित किया गया है, उसके अंदर भी क्या सुनवाई होती है और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है यह जरूर देखना होगा। जी राजीव, वहीं बात अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कर लें, क्या जानकारी दी उन्होंने? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता की बात करें तो तुषार मेहता की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो प्राथमिकता है या फिर कहे जो सबूत है उनको पहलुओं को गौर करने के बाद में ही जो कैसे FIR है वो दर्ज होनी चाहिए, और यही मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हर पहलू के अंदर गौर करे ताकि FIR करने में जल्दबाजी ना हो। दूसरा यहाँ पर FIR करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को आदेश देते हैं तो मजबूरन दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी, मगर यहाँ पर जिस तरीके ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ एक कमेटी बनाई गई थी 3 महीने पहले भी, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है जो अभी तक सरकार के पास है या फिर सरकार को दी जा चुकी है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक ना तो पहलवानों की सुध ली गई है ना ही ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, मगर पहलवान जो है वो लगातार इसी को लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, लगातार जंतर मंतर बैठे हुए हैं और खाना पीना के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सरसाइज है या फिर जो सोने की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर ही अपनाई जा रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि सरकार जो है वो पहलवानों के बारे में नहीं सोच रही है। जी राजीव, अब ये सोचने वाली बात है कि यही खिलाड़ी जब जीत कर आते हैं तो सरकार इनके सम्मान के लिए तमाम चीजें करती है, लेकिन अभी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, सरकार की बात करें तो सरकार का दो तरफा रुख देखने को मिल रहा है, दूसरा पहला रुख जो है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए समर्थन में देखने को मिलता है, क्योंकि जब पहलवान जब इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर जब खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन किया जाता है, उनके लिए लगातार कहीं ना कहीं रास्ते बनाए जाते हैं, जब वो अवार्ड जीत के आते हैं तो वो सरकार के होते हैं यानी कि भारत के होते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको कैसे इनाम भी दिए जाते हैं, मगर वही चीज प्रक्रिया जो है वो बदलती नजर आ रही है दूसरे पहलू से। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पहलवान चाहते हैं कि जो उनके जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो यौन शोषण करते हैं महिलाओं का, मगर सरकार की तरफ से इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाने की, यानी दो तरफा जो रुख देखने को मिल रहा है सरकार का वो कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि दो तरफा रुख जो है वो सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अवार्ड जीत के या फिर कहे मेडल जीत के जब पहलवान आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार के होते हैं, तो पहलवानों की जो परेशानियां हैं या फिर पहलवानों की जो दिक्कतें हैं वो भी सरकार की होनी चाहिए, मगर सरकार दिक्कतों की तरफ नहीं देख रही है, सिर्फ अवार्ड की तरफ ही देख रही है, यानी कि जो अवार्ड जीते गए हैं वो सरकार के हैं और बाकी परेशानियां जो है वो सिर्फ पहलवानों की है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार यानी कि आज आगरा आएंगे। वो नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे यातायात डायवर्जन रहेगा। पुलिस कमिश्नर और डीएम नवनीत सिंह चहल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11:20 पर खैरिया एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर द्वारा मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद फिरोजाबाद से खैरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो दोपहर 3:15 बजे जीआईसी मैदान पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे तक वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:15 बजे खैरिया एयरपोर्ट पर प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा आने वाले हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे से यातायात डायवर्जन रहेगा और पुलिस कमिश्नर और डीएम नवनीत सिंह चहल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11:20 पर खैरिया एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर द्वारा मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3 बजे वो फिरोजाबाद से खैरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3:15 बजे जीआईसी मैदान पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:15 बजे वो खैरिया एयरपोर्ट वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव हैं, ऐसे में लगातार सीएम लगातार जिलों में जा रहे हैं और वहां जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में आज 3 जिलों के दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में आज चुनावी प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और जनता को अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश जो है की जाएगी। लगातार बीजेपी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और अपनी कमर पूरी तरीके से बीजेपी ने कस ली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज वो 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं और केरल की गुड गवर्नेंस टीम से भी सीएम आज मुलाकात करेंगे। तमाम तरीके के कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहेंगे, जनसभा करेंगे, वहां पर लोगों को संबोधित जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके कार्यक्रम को देखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया गया है और पुलिस कमिश्नर और डीएम नवनीत सिंह चहल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री 11:20 पर खैरिया एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3 बजे बाद फिरोजाबाद से खैरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 3:15 बजे जीआईसी मैदान पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:15 बजे खैरिया एयरपोर्ट पर प्रस्थान करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं और इसी के साथ मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में आज चुनावी प्रचार होगा। लगातार बीजेपी काफ़ी एक्टिव जो है नज़र आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत समय पहले से ही जो है लगातार जिलों में जा रहे थे, जिलों का जो है दौरा कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को रुझाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लगातार जो है चुनावी प्रचार बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है और ऐसे में हर एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से जनता को अपनी तरफ रिझाया जा सके। तो आज इसी कड़ी में 3 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में ये चुनावी प्रचार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, लोगों को संबोधित किया जाएगा। और ऐसे में बात अगर आगरा की कर ली जाए तो आपको बता दें कि आगरा में भी 12 बजे के बाद रूट डाइवर्जन रहने वाला है और पुलिस कमिश्नर और डीएम नवनीत सिंह चहल ने इससे पहले आगरा में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, वहां का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को जाना। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रिंकू शर्मा इस वक्त मथुरा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम का दौरा जो है मथुरा में रहने वाला है, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, कब तक सीएम जो है मथुरा पहुंच सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से निकाय चुनाव जो नगर पालिका नगर निगमों का जो चुनाव चल रहा है उसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने प्रत्याशी के लिए आज मथुरा में सभा को संबोधित करेंगे। करीब वो 11:50 का उनका टाइम है, कितने बजे पहुंचते हैं और वो इस सभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वो चुनावों में जो सभा करेंगे उसके लिए वोटों की अपील करेंगे। जिस तरह से सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, जिस तरह सरकार जो निकाय चुनाव चल रहा है उसको लेकर वो आज मथुरा के लोग। रिंकू, वहीं अगर बात कर ली जाए, तैयारियों को लेकर बात कर ली जाए, तो किस प्रकार की तैयारियां की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, तो ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां हैं, एक बार से लेकर भी जानकारी।
जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो आज जो सभा को संबोधित करेंगे उसको लिए मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं चप्पे चप्पे पे पुलिस लाई गई है, जिसको लेकर करीब 11:50 का टाइम है मुख्यमंत्री का मथुरा पहुंचने के बाद। उसके बाद वो बीएसई पोता स्कूल में मैदान में उस सभा को संबोधित करेंगे। जी रिंकू, वही बात अगर रूट डायवर्जन को लेकर कर ली जाए तो रूट डायवर्जन को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से रूट डायवर्जन रहने वाला है? क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे में रूट डायवर्जन को लेकर क्या जानकारी है? जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो जहाँ जिस जगह मुख्यमंत्री जी की सभा होगी वहाँ से जो वाहन निकलने वाले हैं सभी को उनको वहाँ रोक दिया है। किसी को यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए, किसी को वृंदावन होते हुए उनका डिवाइड किया गया है, जिसके लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली गई है और प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पे फोर्स लगाई गई है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जो आएंगे वो सभा को संबोधित करेंगे। रिंकू, मथुरा के बाद अगला दौरा किस जिले में रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जो निकाय चुनाव चले उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा है और वो यहाँ करीब 11:50 का टाइम है उनका पहुंचने का। उसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वो वोटों की यहाँ लोगों से अपील भी करेंगे। चलिए रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। तटीय रत्नागिरी जिले के बासुर रिफाइनरी के मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दिग्गजों ने टेलीफोन पर बातचीत की। राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने पहले कहा था कि राज्य सरकार को उन ग्रामीणों से बातचीत करनी चाहिए जो रिफाइनरी परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो वैकल्पिक स्थान की तलाश की जानी चाहिए। पवार ने राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ बैठक और चर्चा के बाद ये जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में करीब 400 किलोमीटर दूर जिले में राजापुर तालुका ताकुला के 1200 गांव में लोगों ने इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, और जबकि एनसीपी की सहयोगी ठाकरे गुट और कांग्रेस इस परियोजना का विरोध कर रही है, उनका साथ दे रही है। और पवार और उन्होंने कहा कि कोकर्ण में विकास परियोजनाओं पर उनकी पार्टी के विरोध के बजाय स्थानीय लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। शरद पवार के मुताबिक सरकार को पता लगाना चाहिए कि स्थानीय लोग क्यों परेशान हैं, उनसे बात करना ही एकमात्र समाधान है। अगर बातचीत से मसला नहीं सुलझता तो कोई वैकल्पिक जगह ढूंढी जानी चाहिए। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए रिफाइनरी मुद्दे को अगर लेकर बात कर ली जाए, रिफाइनरी का क्या मुद्दा है, क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र की सियासत में रोज नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बातचीत की। इस बातचीत का मेन मकसद था कि रायगढ़ में जो रिफाइनरी फैक्ट्री लगाई जा रही है उसका जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से विरोध किया जा रहा है, खासकर शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से। इस पर शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पे कहा कि एनसीपी का विशेष विरोध नहीं है, एनसीपी इस पक्ष में है कि विकास होना चाहिए, लेकिन उसके पहले स्थानीय ग्रामीणों से इस विषय को लेकर चर्चा होनी चाहिए। खासकर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उस विरोध का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन रिफाइनरी को लेकर किस बात का विरोध है इस भी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। तो ऐसे में सरकार पहले महाविकास आघाड़ी से पूछने के बजाय ग्रामीणों से संपर्क करे, ग्रामीणों से यह जानने की कोशिश करे कि आखिरकार रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर किस विषय को लेकर उनका विरोध है। चलिए सत्यप्रकाश, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लगातार आपसे अपडेट्स जो है लेते रहेंगे। और इसी बीच ये तस्वीरें पुंछ में जो शहीद हुए थे जवान, उनके घर भगवंत मान पहुंचे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर भगवंत मान, पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान यहाँ पहुंच चुके हैं और अब मीडिया से मुखातिब होंगे। जो चार शहीद पिछले दिन जम्मू कश्मीर के विच पंजाब तो शहीदी का जामा पीता साढ़े पंजाब के नौजवानों ने।
लगातार हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, शरद पवार का ये कहना है कि स्थानीय लोग परेशान है, क्या असली अगर जमीनी हकीकत देखी जाए, क्या लोग परेशान जो है बेहद नजर आ रहे हैं इस मुद्दे की वजह से? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई रिफाइनरी फैक्ट्री कहीं लगाई जाती है तो जाहिर तौर पर वहां के स्थानीय लोगों को एक रोजगार मिलता है, लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर इसका विरोध होता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक अध्याय इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अगर आप लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के तमाम लोग अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार की जो है जरूर कामना करते हैं कि उनके उन्हें उनके पदाधिकारियों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों को रोजगार न देते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को अगर रोजगार की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका विरोध होगा। यही वजह है कि ग्रामीण सहित महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप जो रिफाइनरी फैक्ट्री लगा रहे हैं उसमें लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से खुलकर इसका विरोध है, लेकिन एनसीपी की तरफ से कहीं कहीं इसको जो है बैकफुट को लेते हुए कहा गया, क्योंकि शरद पवार ने खुद कहा कि एनसीपी का विरोध नहीं है लेकिन बाकी अन्य दलों का जो विरोध है उसके पहले आप ग्रामीणों से संपर्क कीजिए और उससे जानने की कोशिश कीजिए आखिरकार उनका विरोध ही क्यों है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर काफी देर तक जो है चर्चा हुई। हालांकि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एक साथ सिंधे 3 दिवसीय छुट्टी पर है क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है। जब कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे जब से सरकार में आए हैं तब से उन्हें आराम नहीं मिला है। दूसरी तरफ उनके ही विधायक उद्योग मंत्री सावंत का कहना है कि उनके गांव में मेले हैं इस वजह से उन्हें निमंत्रित किया गया। तो तमाम तरह की बातें, फिलहाल यह जरूर है कि वो अपने गाँव लातूर गए। सत्यप्रकाश, वही बात अगर ग्रामीणों की कर ली जाए जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना उन लोगों का? देखिए, ग्रामीणों का एक ही मत है कि जब तक आप ग्रामीणों से संपर्क नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। स्वयंभू जो है वो खुद सरकार की है लेकिन आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो वहां के लोगों को आपको विश्वास में लेकर जो है डेवलप करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से यह पहल नहीं की गई है। दूसरी तरफ राजनेताओं का भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्थानिक है या फिर जो उस इलाके के रहने वाले हैं उन्हें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर यह बेहद गलत बात हो जाएगी। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो सरकार तो नहीं उठा रही है लेकिन विरोधी दल जरूर इस पर चर्चा कर रहा है। यही वजह है कि विरोधी दल जो है स्थानीय ग्रामीणों के पीछे खड़ा है कि आप इस तरह की जो है विरोध में खड़े रहिए, बाकी सपोर्ट हम पीछे से करते रहेंगे। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नगर निगम चुनाव के प्रचार में न जाने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सख्त हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी वार्डों में इसकी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी प्रचार के लिए वार्डों में उतरें। अगर पार्टी के संज्ञान में ऐसा मामला आता है कि किसी ने चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी है और वो प्रचार में नहीं जा रहा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें शोकॉज नोटिस जारी होंगे और बुधवार को पार्टी मुख्यालय में राजीव भवन में नगर निगम चुनाव को लेकर गठित समन्वय समिति की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कोल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, सुधीर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी 34 वार्डों में पार्टी के प्रचार से लेकर चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद कोल सिंह ठाकुर ने कहा कि मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि समन्वय समिति रोजाना हर वार्ड की समीक्षा करे। वार्डों का फीडबैक दिन में 2 बार लिया जाएगा और वार्ड प्रभारी ये फीडबैक देंगे। इसके आधार पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और इसी में सीएम का नगर निगम चुनाव प्रचार कार्यक्रम शामिल हो सकता है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जिस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए अब जो है कांग्रेस काफी सख्त नजर आ रही है और स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट लहजे में कांग्रेस ने कह दिया है कि जो भी नेता इस प्रचार प्रसार में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, नगर निगम का चुनाव क्योंकि
पार्टी के लिए एक चुनौती है। पहला चुनाव सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लड़ने जा रही है, तो ऐसे में इसको बिल्कुल हल्के में कांग्रेस नहीं ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जिन जिन लोगों को, चाहे वो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी विधायक है, वर्तमान जो भी पदभार जिस भी व्यक्ति के पास है और पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश जिन्हें दिए गए हैं, जिन वार्डों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उन वार्ड में जाए, प्रचार करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी उसका संज्ञान लेगी। और अगर ऐसा मामला कहीं से आता है और वार्ड प्रभारी अगर ऐसी कोई सूचना पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को या समन्वय समिति को देते हैं तो जो ऐसे नेता हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी अमल में लाएगी और उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में जो समन्वय समिति है कांग्रेस की, उसकी बैठक राजीव भवन में हुई है और अब कहा जा रहा है कि दिन में दो बार फीडबैक लिया जाएगा वार्ड प्रभारियों से और वार्ड प्रभारियों के फीडबैक के आधार पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अगर मैं आज की बात करूं, आज और अगले कल दो दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धुआंधार प्रचार यहाँ पे हर वार्ड में रखा गया। आज 7 वार्ड में वो जाएंगे, कल भी इसी तरह अन्य वार्ड में जाएंगे, तो आज वो सुबह से वार्ड से प्रचार करेंगे और बिल्कुल नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस एकदम आक्रामक रूप में नजर आने लगी है। जी हीना जी, वहीं बात कर ली जाए सीएम सुक्खू की, अगर बात कर ली जाए तो वो भी लगातार जो है प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं, उतर चुके हैं मैदान में। ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और किन किन वार्डों में उनकी ड्यूटी लगी हुई है? जी देखिए, आज लखनऊ में सीएम जाएंगे और नुक्कड़ सभा वहाँ पे करेंगे। सबसे पहले वो डोर बाजार वार्ड है वहाँ पे जाएंगे, दोपहर 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे और नुक्कड़ सभा आयोजित करेंगे। दोपहर 1 बजे जाएंगे, समरहील वार्ड में 3 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है। भराड़ी वार्ड में शाम 4:30 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया। सुरक्षा शहर में शाम को 5:30 बजे पहुंचे हैं, लोगों को वहाँ पे संबोधित करेंगे। इसी तरह चैथी वार्ड में शाम 7 बजे पहुंचेंगे और शाम 7:30 बजे वो जनसभा करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि अगले दिन भी कार्यक्रम इंजन घर से जाएंगे, सिंजौली चौक में जाएंगे, पर ढबी वार्ड उनका प्रचार के लिए रखा गया है। तो इस तरह जो मुख्यमंत्री है वो खुद भी प्रचार में देखते हैं, उनका खुद का कहना है कि वो क्योंकि खुद पार्षद रह चुके हैं, खुद जनता की समस्या जानते हैं और इसी तरह उन्होंने पार्टी के अन्य जो नेता हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनको खुद निर्देश दिए हैं कि ये जो चुनाव गंभीरता से लें और सभी जो पार्टी के निर्देश है उसके अनुसार सभी लोग जो है वो अपने अपने जो कार्यक्रम है उनको जो है वो उनको वो कार्यक्रम आयोजित करें और पार्टी को इसकी जो फीडबैक भी देंगे। हीना जी, ये तो रही कांग्रेस की बात, अगर बात बीजेपी की कर ली जाए, क्या तैयारी है और कितनी एक्टिव नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा शुरू से ही प्रचार में, अगर प्रचार की बात करें काफी आक्रमक शुरू से नजर आ रही है। शुरू से उन्होंने जितने अपने मंत्री थे जो मंत्री थे सबको किसी को बहुत प्रभारी प्रभारी बहुत प्रभारी और हर तरह की जो ड्यूटी है वो सही चीजें हैं। जो सुविधाएं हैं वो कांग्रेस की से अगर देने की ज्यादा कर रहे हैं भाजपा को, गलत नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष खुद भूमिका संभाले भी है, इसी तरह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको 2 दिन पहले बदला गया है, पूर्व सचिव वो भी यहाँ पे बिल्कुल पार्टी नगर निगम मोर्चा संभाले हुए हैं। आज जो अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और वो कुछ बॉक्स का दफा यहाँ पे करेंगे। तो आप देखेंगे कि भाजपा तो काफी आगे है, काफी आक्रमक प्रचार से कर रही है। कांग्रेस को 3 महीने का कार्यकाल है उसको लेकर जनता के बीच जाते हुए कह रही है कि जिन लोगों की जो लोगों को गारंटी को करते कांग्रेस आई थी वो उससे निकल रही है। तो कांग्रेस ने कहा था कि बोर्ड में वो गारंटियां देंगे जिस तरह उन्होंने जनरल चुनाव में दी थी, विधानसभा चुनाव में दी थी, लेकिन इतने में आया कि कांग्रेस इन गारंटियों से पीछे हट गई है। तो ऐसे में जनता समझ रही है कि 3 महीने के अंदर ही कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े जो दावे थे वो प्रति हो रहे हैं। ऐसे में जनता ने जरूर भाजपा को सोच होगी और तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो सबको भाजपा प्रचार में उतार चुकी है। हीना जी, वही बात अगर आम आदमी पार्टी की कर ली जाए, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 21 प्रत्याशी वोट उतारे थे, उतारे हैं, जिनमें से 2 प्रत्याशी ने कांग्रेस कर ली। तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं रहा था। अभी की बात करें 34 वार्ड में था कि हम प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उन्हें लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में प्रचार काफी हल्के में चल रहा है। एक दो जगह जो प्रत्याशी है वो अपने दम पर जो उनका चेहरा है वो जो
मोर्चों के बीच जा रहे हैं, लेकिन अगर पूरी पार्टी की बात करें, कोई केंद्रीय नेता यहाँ पे नहीं है, कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं, कोई किसी तरह का आक्रमक प्रचार आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है वो दस्तक तो दे रही है नगर निगम चुनाव में, लेकिन एक जो प्रभाव वो छोड़ना चाह रही थी वैसा वो करने में फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंद्रनाम दास का बुधवार को निधन हो गया था। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्होंने अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर सीएम धामी ने शोक जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन राम दास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से मैं स्तंभ हूँ। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों व समर्थकों को यह असीम सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। उत्तराखंड के दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार उनका जो है गुरुवार को उनके गृह नगर बागेश्वर के में सरयू नदी के तट पर स्थित बागनाथ घाट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और विधायकगण उन्हें इस मौके पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गुरुवार को 11 बजे सरयू नदी के तट पर स्थित बागनाथ घाट पर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस सम्मान के साथ अंत्येष्टि सम्पन्न की जाएगी। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। सरल थे, सहज थे, मृदुभाषी थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे मिल जाते थे। उनका जाना जहाँ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मैं आज दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से, और उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी शुभचिंतकों का, सहयोगियों को, समर्थकों का, कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और श्री चंदन रामदास जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रनाम दास का कल निधन हो गया और ऐसे में अगर आप बात कर ली जाए अंतिम संस्कार की, तो कब तक अंतिम संस्कार हो सकता है, एक बार पूरी जानकारी। लेकिन बेहद ही बहुत खबर है कि चंद्रनाम दास जो बेहद ही अनुभवी चेहरे थे उत्तराखंड सरकार में, कैबिनेट मंत्री भी थे, उनका लगातार पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य खराब था और बागेश्वर जिले के दौरे के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने के कारण जो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, 5 दिनों में लगातार तकलीफ हो रही थी और जो इलाज के दौरान देहांत हो चुका है। और कल से ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। पूरे मंत्रिमंडल की बात की जाए, भाजपा के जो तमाम चेहरे हैं, भले ही वो विपक्षी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं बेटे पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रनाम दास का व्यक्तित्व अपना आप में काफी बड़ा था। जिससे हमेशा पिछड़े वर्ग की बातें करते थे, उनके कल्याण की बातें करते थे, कई कार्य उन्होंने ऐसे करे थे जो कहीं ना कहीं सराहना लगातार की जाती थी और एक जन नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनका अंतिम संस्कार की बात की जाए तो आज 11 बजे के टाइम पर बागनाथ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जनपद में, और पूरी तरीके से यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि बेहद ही बड़ी घटना है। एक यहाँ पर जो बात की जाए वाले चेहरे
किशोर के और लगातार पिछले काम किया था वो व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक दुखद खबर है। इस खबर को सुनते ही लोग लगातार संस्कृत पहुंच रहे हैं। 11 बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसको लेकर के यहाँ पर आज पूरे प्रदेश में क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर के यहाँ पर जो सभी कार्यालय है वो बंद की गई और दिन का रात की शोक यहाँ पर घोषित किया गया है। सभी कार्यालय के जो में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो छुट रहे थे। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने भी शोक बंद किया है और जो उत्तराखंड कैबिनेट के जो तमाम बड़े चेहरे हैं मंत्रिमंडल के चेहरे हैं वो आज अंतिम संस्कार में जाएंगे और मुख्यमंत्री अंतिम संस्कार में जाएगा तो 11 बजे सभी उत्तर संस्कार किया जाएगा और हजारों संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अमित वहीं बात कर ली जाए, ये तो रही धामी सरकार की तरफ से कौन कौन जो है यहाँ पहुंचने वाला है, वहीं अगर बात विपक्ष की कर ले तो अंतिम दर्शनों में विपक्ष की तरफ से कौन कौन यहाँ पहुंच सकता है? देखिए विपक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान आदि जो नेता प्रतिपक्ष है और उसकी बात की जाए तो तमाम जो आस पास के जो यहाँ पर जो विधानसभा जो प्रति उनके चेहरे की बात की जाए जो उनके मित्र कहीं ना कहीं लगातार क्योंकि एक व्यवहार उनका यहाँ पर सबसे मेलजोल रखने का था। एक अगर राजनीति के अलावा अगर बात की जाए तो व्यवहारिक था उनके अंदर काफी थी और उसको लेकर के यहाँ पर जो उनके कई ऐसे नेता जो विपक्ष के हैं वो बड़े बड़े कह रहे हैं जो कांग्रेस के होंगे अन्य पार्टी के हों वो लगातार यहाँ पहुंचने राजस्थान राज्य के पहुंचने की लगातार उम्मीद जताई जाती है और कांग्रेस के और जो वरिष्ठ कह रहे हैं यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जाती है और साथ ही मंत्रिमंडल के तहत कह रहे हैं यहाँ पर रहेंगे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन उनके लगातार किए हैं। चलिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। NIA कोर्ट जम्मू ने मार्च से पुलिस के अनुरोध पर पाकिस्तान या POJK में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसके पहले 13 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। NIA कोर्ट जम्मू ने मार्च से पुलिस के अनुरोध पर पाकिस्तान या POJK में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि किश्तवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने कहा कि किश्तवाड़ा के 36 लोग आतंकवाद में शामिल होने के बाद पाकिस्तान चले गए। इसके बाद उन्हें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि एक विशेष NIA अदालत ने 1 मार्च को उनके खिलाफ उनमें से 13 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था जबकि बाकी 23 आतंकवादियों के खिलाफ मंगलवार को एक नया गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जिस तरीके से बात कर ली जाए 23 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देखिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद से जुड़े जितने भी लोग हैं चाहे वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान चले गए हैं और वहां से अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और यही वजह है कि पहले 13 आतंकी जो किश्तवाड़ के रहने वाले थे उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया और अब 23 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। NIA की विशेष कोर्ट को पुलिस ने कहा कि ये आतंकी हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करनी है तो उसके बाद NIA की विशेष कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है और कहा जाए तो अब इन 13 आतंकियों की जिस पहले जारी की गई थी उन आतंकियों की प्रॉपर्टी भी जो है उसके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो रहने के लिए उसके ऊपर करेगी और उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। जी रविंद्र वहीं बात कर ले किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई है? जी देखिए खलील पोसवाल के मुताबिक जो आतंकी सीमा पार चले गए हैं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है और ये आतंकी जो हैं ये लश्कर ए तोयबा हरकत उल अंसार और कई ऐसे संगठन हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं और उन POK और पाकिस्तान में बैठकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। SSP खलील पोसवाल ने ये भी बताया कि ये आतंकी जो हैं लंबे अरसे से वहां पर POK और वहां पर जो टेरर कैंप हैं
उनमें आतंकी गतिविधियां जो हैं वो चला रहे हैं और यहाँ पर बैठे युवाओं को बरगलाने की लगातार उनकी कोशिश जो है वो रहती है। और यही वजह है कि अब इनकी संपत्तियां जो खास करके किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है और एक तरफ किश्तवाड़ का इलाका जो है वो जम्मू में है और कहा जाए तो इसी के साथ घाटी का इलाका पड़ता है और यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश फिर से की जा रही है और अब इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। रविनगर जम्मू में अगर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार का माहौल इस वक्त बना है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जो है जवान भी शहीद हुए थे, तो ऐसे में किस प्रकार का माहौल बनाया है? आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार अपने चरम सीमा पर हैं, लगातार एक के बाद एक आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जी देखिए, अगर पुंछ की घटना को छोड़ दें तो आतंकवाद पर कहीं ना कहीं धारा 370 टूटने के बाद लगाम जरूर लगी है। हालांकि पाकिस्तान अब लगातार कोशिश कर रहा है, जो पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ के इलाके हैं, डोडा के इलाके हैं, यहाँ पर जो पुराने आतंकी थे उनको फिर से एक्टिव करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके गुर्गे जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका हो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका हो, लगातार वहां पर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार कोशिश रहती है पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो भेजे जाए, लेकिन एलओसी के ऊपर लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पीओके का इलाका साथ ही में पड़ता है और वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले कहा जाए तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो हैं उन्होंने दौरा किया है और वहाँ पर आईएसआई और बिल्कुल। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू नक्सली हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे। आपको बता दें कि कल दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने घात लगाकर डीआरजी फोर्स के जवानों पर हमला कर दिया था। उन्होंने जवानों से भरी गाड़ी को आईटी बम से उड़ा दिया और इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए। इसमें 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर है और नक्सलियों ने रोड के बीचों बीच लैंड माइन बिछाई हुई थी और ये आईडी धमाका इतना जबरदस्त था कि रोड पर कई फुट गहरा गड्ढा हो गया। जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और बस्तर के आईजी सुंदर राज ने बताया कि अरनपुर के पालनार क्षेत्र में नक्सलियों ने जवानों को अपना निशाना बना। फिलहाल तलाश अभियान जारी है और सूत्रों के मुताबिक डीआरजी के जवान कल ऑपरेशन में गए थे, लौटते समय नक्सलियों ने यह हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में प्रधान आरक्षक जोगा सोडी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामू, नव आरक्षक दुलगो मडवावी, लखम मरकाम जोगा कवासी, हरिराम मडवाई, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, जयराम ओडियाम, जगदीश कवासी शहीद हो गए हैं। वहीं निजी वाहन का चालक धनीराम यादव भी इस हमले में उसकी जान चली गई। खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त मेरे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री, आज जो नक्सली हमला कल हुआ है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब से ही लामबंद रहे हैं और लगातार बैठक से बैठक लेते नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में देखते नजर आ रहे थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री डीजीपी मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित तमाम लोगों की बैठक है वो निर्धारित रूप से ली गई और स्वयं आज मुख्यमंत्री वास्तविकता का जायजा लेने के लिए जिस स्थान में बम ब्लास्ट हुआ है उस स्थान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ जवान शहीद हुए, 10 जवान शहीद हुए प्लस एक ड्राइवर जो है उनकी मौत हो गई है, निश्चित तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज दंतेवाड़ा जाएंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री साथ में रहेंगे, डीजीपी डी अशोक द्विवेदी जी और अमिताभ जैन जो मुख्य सचिव है वो साथ में रहेंगे, वहां जाकर के हौसला अफजाई भी करेंगे और ऐसी कायरतापूर्ण जिस तरीके से हमला किए गए हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और गर्मी के समय में जिस तरीके से मूवमेंट जो नक्सलियों को होता है उससे किस तरीके से और समझा जा सकता है और जीता जा सकता है इस विषय के ऊपर फोकस करिए। जी
अखिलेश, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि जो आईडी से धमाका हुआ है, धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि रोड पर भी कई फुट गहरा गड्ढा हो गया है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। तो ऐसे में अब सोचने वाली बात है कि अगर रोड में गड्ढा हो गया तो ऐसे में जब जवानों के साथ वो पूरी घटना हुई होगी तो किस तरीके का वहां पर माहौल होगा, क्योंकि एक तरीके से गाड़ी के पूरे परखच्चे जो कह सकते हैं कि उड़ गए उसमें, और रोड में इतना बड़ा गड्ढा वहां पर हो गया, एक भयानक घटना ऐसे कह सकते हैं। देखिए, समझने वाला विषय है कि जहाँ लगभग पीढ़ी का जो मापदंड है, जो प्रेशर कुकर के तौर पे और वहाँ प्रेशराइज किए गए हैं, तो आईडी जो लगाते हैं उसमें लगभग 50 केजी का आईडी बताए जा रहे हैं जो विशेषज्ञ है। ऐसी स्थिति में जब जैसे दबाव पड़ता है तो वो उछाल मारता है। इसके साथ साथ वहाँ के आसपास के जो लगभग 3-4 ऐसे जो मूवमेंट है जहाँ आईडी लगाए गए थे नक्सलियों के द्वारा, और ये जो घटनाक्रम है वो पहले से ही तय माना जा रहा था। और अक्सर देखा जाता है जो भी बड़े से बड़े घटनाएं हुई हैं वो गर्मी के दिनों में हुए हैं, लिहाजा अब सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि तो नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो सीधे तौर पे एक टारगेट बेस्ड पर बना करके वो लोग हमला करते नजर आ रहे हैं। उनके पास अत्याधुनिक जो हथियार है उसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो जांच का विषय है, जो आधुनिकता के रूप में जो उनके पास बंदूक आते जा रहे हैं, आईडी आते जा रहे हैं और जो बारूदी आते जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, क्या इस पे सरकार नजर लगा करके नहीं रख पा रही है, या फिर नजर है तो आखिर किस और किसके तहत ये लेकर के आया जा रहा है, इस कड़ी को तोड़ने की बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर ये नहीं टूटता है तो हमारे जवान पहले से शहीद होते आ रहे हैं, पुनः हमको इसी घटनाक्रम में देखते नजर आएंगे। और अगर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो आखिर बीएसएफ को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जा रही है, ये सुलगते सवाल है। अगर ये सवालों के जवाब जो विशेषज्ञ लोगों से जैसे ही हम लोग पूछते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग भी मौन धारण कर लेते हैं। जी अखिलेश, पूरे मामले पर बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, बीजेपी का कहना है कि 1500 सत्ता में रहने में के बाद इस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए और सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि एक नई रणनीति के साथ में काम करे। और बीजेपी का सीधा ये भी आरोप है कि कांग्रेस का कहना ये है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है करके, ये सीधा सीधा कांग्रेस बोलती है, लेकिन अब भी नक्सल नहीं हटे हैं। ये जो नक्सली को हटा देने और नक्सली को भगा देने का जो षड्यंत्र कांग्रेस करती नजर आ रही है, ये अभी तक विफल ही रहे हैं। और क्या ऐसे दाव भरने वाले लोगों के ऊपर और जब हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनको क्या अब भी शहीद होते रहेंगे, या कांग्रेस कुछ न कुछ कड़े तौर पे देखेगी? इस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं। और स्वयं गृह जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब है वो दंतेवाड़ा भी जाएंगे, वहाँ जो अफसर है वहाँ के जो जायजा है और जो टीम बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें ऐसे कौन से लोग जो कौन नक्सली है, इसके पड़ताल करने के लिए टीम और साथ ही साथ जो आदिवासी नेता है वहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।